हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय DIY चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर कैसे एंटी एजिंग क्रीम बना सकते हैं और ये क्रीम आपके सारे रिंकल्स, फाइन लाइन और एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी और ये क्रीम आपकी जो फेस पे जो ग्लो है उसको भी लेके आएगी और आपकी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने वाली है। तो ये क्रीम हम एकदम नेचुरल तरीके से बनाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो उनको मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो भी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 बाउल लेना है और उसके अंदर आपको मूंगफली को ऐड करना है। आप बोलोगे मूंगफली कैसे, क्योंकि मूंगफली के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मूंगफली के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है जो हमारे रिंकल्स और फाइन लाइन से प्रॉब्लम को लड़ती है और हमें एकदम स्मूथ फेस अपना प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या करना है, मूंगफली लेनी है और आप चाहे तो इनको छील ले, मतलब जो इसका ऊपर का छिलका है उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका आपको स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है, मतलब आप इसको ग्राइंड कर ले, मतलब हल्का सा इसको पेस्ट रेडी करना है और आप पेस्ट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। आपको सिंपल इसी का मूंगफली का पेस्ट को रेडी करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद आपको अगेन 3 बाउल लेना है, उसके अंदर आपको 2 चम्मच जो हमारा मूंगफली का पेस्ट है उसको ऐड करना है। मैं आपको 2 तरीके से यूज़ करना बताऊंगी तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो करीबन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मूंगफली का पेस्ट ले लिया है, मैंने उसका छिलका नहीं निकाला तो उसके अंदर इसका थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, इसलिए इसके अंदर वो छिलके का कलर है। तो अब इसके बाद यहाँ पर करीबन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो मूंगफली का पेस्ट लिया है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर रॉ मिल्क लिया है। और अब इसके बाद इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो हमारे त्वचा को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। इसके अंदर आपको शहद को ऐड करना है। अब शहद आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना, मतलब जितनी क्वांटिटी मैंने मिल्क की और जो पेस्ट के लिए उसकी आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर शहद के लिए, करीबन मान लीजिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पर शहद लिया है। अब आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसकी आइस क्यूब भी बताऊंगी, आप ऐसे आइस क्यूब इसको बना सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आइस हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा टाइटअप करती है, हमारी स्किन जो लूज है उसको टाइटअप करती है। तो उसके लिए भी इसी पेस्ट में आप ऐसा क्या ऐड करोगे जैसे आइस क्यूब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा पेस्ट एकदम रेडी हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मिल्क है और शहद ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। तो आप अगर हफ्ते में 1 या 2 बार इसे अप्लाई करोगे तो आपको आपकी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आएगा और जो आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। और इसको अगर मान के चलिए अगर आपको आपकी एज 40 ईयर्स है या फिर 30-40 ईयर्स है, उसमें भी अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपकी त्वचा एकदम हमेशा यंग रहने वाली है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये ध्यान रखना है आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में आपको पूरे फेस पे मसाज करनी है। और आप चाहे तो उसे अपने हैंड पे, लेग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी स्किन लूज की प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और इसके बाद अप्लाई करने के बाद आप उसको वॉश कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसको इस क्यूब के फॉर्म में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको इसके अंदर पानी को ऐड करना है। अगर सादा पानी ऐड करना चाहे तो सादा पानी ऐड कर सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अभी सादा पानी लिया है ताकि पानी से इसके अंदर थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी हो कि जिससे आइस क्यूब हमारे बनेंगे। और आप आइस क्यूब बनाने के लिए मतलब आपको आइस क्यूब को यूज़ करना है। आप डेली अगर 1 आइस क्यूब भी यूज़ करते हो तो ये आपका 7 डेज तक चल जाएगा, मतलब कि 7 डेज के बाद आप फिर से बना लीजिए और 7 डेज तक आपको इसी को यूज़ करना है। तो 1 आइस क्यूब आप डेली भी रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे। आप अपना फेस वॉश अच्छे से वॉश कर ले, फेस को किसी भी फेस वॉश से वॉश कर ले और उसके बाद इसे अपने रात को ज़रूर अप्लाई करोगे और उसके बाद आप फेस वॉश कर लो। तो मैंने इसको सारे आइस ट्रे में रख लिया है। उसके बाद आपको इसको फ्रिज में रखना है। टोटल यहाँ पर मेरी 8
8 एंड 9 के क्यूब्स रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपको एक क्यूब मैं आपको बताती हूँ आपको इस्तेमाल कैसे करनी है। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी क्योंकि इसके अंदर जो मूंगफली का पेस्ट था उसकी वजह से जो हमारी आइस क्यूब है थोड़ी सॉफ्ट बनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।